बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना भाई वसीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर 3-4 इन्फो। उम्मीद करता हूं आप साथ भाई ईमान बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप भाई जानते हैं, सऊदी अरब में जॉब के लिए जो है ना, आप भाइयों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। क्रेन ऑपरेटर, ट्रेलर ऑपरेटर जो आते हैं उनको क्या बचता है, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आने के तरीके कार क्या है। तो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है मनोज भाई, ये मनोज भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्रेन ऑपरेटर। अस्सलाम वालेकुम मनोज भाई, क्या हाल है, ठीक हो? थोड़ा ऊंचा बोलोगे हमारे व्यूवर्स के लिए ताकि उनको आवाज क्लियर जा सके। मनोज भाई, आपको कितना टाइम हो गया क्रेन चलाते हुए? मेरे 2006 से मैं काम कर रहा हूँ इस लाइन में। 2006 से हो गया सर। इस कंपनी में कितना? 8 साल समाप्त हो गया। तो मनोज भाई, जब आप आए तो आपकी कितनी सैलरी थी इस कंपनी? मेरा 1800 सैलरी था खाना लेके, 1800 सैलरी था। हाँ। तो अभी 8 साल में आप कहाँ तक पहुँचे? 8 साल में 2500 तक पहुँच गया। 2500? हाँ। अभी 2500 सैलरी है। 2500 जो 2500 सैलरी है उसमें खाना कंपनी देती है या आपका खुद का है? इसमें 200 रुपए खाना का है और 300 सैलरी, 2300 सैलरी, 200 खाना, 2500 टोटल। 2500 टोटल है। तो मनोज भाई, अभी जो नए आदमी आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं क्रेन ऑपरेटर, उनको उधर से प्रॉपर सीख के आना चाहिए या इधर कोई चांस होते हैं? देखो, जो उधर से सीख आएगा तो इधर कोई परेशानी उसको नहीं होगा, अगर यहाँ सीखेगा तो वही उसको 2-4 महीना उसको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा बस। यानी 2-4 महीने के बाद आदमी? हाँ, 2-4 महीने के बाद आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, ट्रेन हो जाता है। हाँ। तो जो अपने मुल्कों में जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, 1-2 महीने की ट्रेनिंग देकर जो क्रेन ऑपरेटर को इधर भेजते हैं, वो आदमी इधर चल जाता है? वो चल जाता है, लेकिन वो किताब में चल जाता है, लेकिन जब क्रेन पर बैठाया जाएगा ना तो उतना सक्सेस नहीं होगा, उसको भी कम से कम 2 महीना टाइम चाहिए। 2 महीना टाइम। हाँ। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि उधर से प्रॉपर सीख के आओ तो बेस्ट। हाँ। तो अगर उधर से क्रेन चला कर आया फिर वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हाँ, जो इंटरव्यू में पास कुछ हो गया उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उधर से स्कूल से सिखाएगा उसका कम से कम 2 महीने टाइम लगेगा। तो मनोज भाई, अभी जो नए आदमी आ रहे हैं उनकी कितनी सैलरी लगती है क्रेन ऑपरेटर में, कितनी सैलरी लगती है? कम से कम उसका सैलरी 2000 से ऊपर होना चाहिए। 2000 से ऊपर होना चाहिए तो सऊदी अरब में गुजारा है। सही है। तो मनोज भाई, इसका लाइसेंस भी होता है क्रेन चलाने का, वो आप बनाते हैं या कंपनी बनाती है? अगर आदमी चाहे तो अपने कंपनी का पेपर हो तो कंपनी बनवा दे, नहीं तो अपने से भी आदमी बना सकता है। सही है। मनोज भाई, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इसकी ड्यूटी टाइम कितना है? इसका ड्यूटी 10 घंटा का है। 10 घंटा का? आप 10 घंटे ड्यूटी करते रहे हैं या मतलब रेस्ट भी होती है? नहीं, कोई भी क्रेन है 10 घंटा प्रॉपर बहुत कम चलता है, ठीक है, सारा दिन में वही 5-6 घंटा काम होता है, तो बाकी 4-5 घंटा रेस्ट मिलता है। यानी 5-6 घंटा ज्यादातर काम होता है? ज्यादा ज्यादा 5-6 घंटा काम होता है। सही है। तो मतलब 10 घंटा का बस एक नाम ही है? 10 घंटा का नाम ही है। तो आपकी कंपनी आपको खाने के लिए मतलब खाना बना के देती है या पैसे देती है? नहीं, पैसा देती है, 200 रियाल। 200 रियाल देती है? 200 रियाल में खाना हो जाता है? नहीं होता है, कम से कम अपना कम से कम 400-350 रुपए मान के चलो, 350-400 रुपए खाने में लग जाता है। सही। तो मनोज भाई, आप नए आने वाले भाइयों को क्या कहेंगे? मतलब आप तो इंडिया से हैं, कहाँ से वीजा मिलता है? बस दिल्ली और बॉम्बे दो जगह वीजा मिलता है इधर, और गांव के एजेंट तो बहुत मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑफिस से, वो लोग काम करा देता है, पैसा उसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर दिल्ली बॉम्बे से आदमी काम कराएगा तो उसमें पैसा थोड़ा कम लगेगा। मतलब कितने में वीजा मिल जाता है? वीजा कम से कम अभी 1 लाख से ऊपर लग जाएगा। 1 लाख से वीजा मिल जाता है? अगर एजेंट नहीं होगा, ऑफिस से डायरेक्ट आओगे तो 90,000-80,000 के करीब करीब मान के चलो। सही है। तो मनोज भाई, उधर जो पूछे जाने वाले सवाल है क्रेन ऑपरेटर के, थोड़ा बताएं कि उधर थ्योरी होती है या प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी भी होता है, ठीक है। उसमें थ्योरी में बहुत कम चेती होता है, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 1-2 सवाल वो पूछेगा, अगर आदमी बता दिया तो फिर पास हो गया। आप क्या कहते हैं ओवरऑल के, इधर आना चाहिए नए आदमी को या नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आना चाहिए, जिसको जहाँ पर होती है वो आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मनोज भाई, आप कितने टन की क्रेन चला रहे हैं? ये मेरा क्रेन 45 टन का है। मनोज भाई, जब आप मतलब 2 साल का एग्रीमेंट है आपका? हाँ, मेरा 2 साल का एग्रीमेंट। 2 साल के बाद आप जब जाते हैं घर तो कंपनी कितना पैसा देती है ये भी? 45 दिन का एडवांस में देती आता है, क्या नाम है उसका, बोनस मिलता है 45 दिन का। और आने जाने का टिकट आप लेना या कंपनी ने? वो 2 साल के बाद जो भी जाएगा वो कंपनी का टिकट है आने जाने का। सही। यानी वो मतलब इसका कोई मसला नहीं है? ना ना, इसका कोई मसला। मेडिकल भी अच्छा है? हाँ, मेडिकल भी अच्छा है। और जो रहायश है वो आपकी है या कंपनी की है? कंपनी की है। ठीक है। ये थे जी हमारे साथ मनोज भाई। क्या बिजली और
रूम रेट सब कंपनी का है, पानी बिजली और रूम सब कुछ कंपनी का है, गैस भी कंपनी का है, सारा कुछ कंपनी, मतलब हर चीज कंपनी का, सिर्फ कंपनी ने 200 रियाल देना है, आप भाइयों ने उसमें खाना बना के खाना है, यही कहना चाह रहे हैं आप। तो ये थे जी हमारे साथ मनोज भाई, क्रेन की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, अभी आप भाइयों को क्रेन का विजिट भी करवाते हैं, ये कौन सी क्रेन चला रहे हैं, चलते हैं जी टूर पे क्रेन के। ये और लड़का क्रेन चला रहा है जी, ये मनोज भाई की क्रेन खड़ी है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो या वीजा इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की चाहिए हो तो मेरे साथ रابطہ करें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।